हर हर महादेव। मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, आज हमारे बीच भारत की बहुत योद्धा, मैं कहूं तो भारत में हमारे देश के अंदर, हमारे भारत, हमारे हिंदू राष्ट्र के अंदर ऐसी रण रागिनी ने एक अवतार लिया। वो अवतार आज आप सभी के सामने, तो आप सभी हिंदू भाई बहन प्रश्न करेंगे मन के अंदर कि आपके साथ गुरुदेव, ये जो बहन बैठी है, ये जो हमारी नारी शक्ति बैठी हुई है, ये कौन है। तो मैं आपको थोड़ा सा परिचय करवा देता हूँ। आप सभी लोगों ने 24 घंटे के अंदर एक ऐसा पूरा का पूरा आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। 3 वीडियो आए हैं, जिन वीडियो के अंदर अकेली एक हमारी हिंदू नारी शक्ति जा करके जिहादियों के बीच में, उनके बीच में जा करके अपना पूरा का पूरा उन्होंने पराक्रम दिखाया। और उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार का हमारे ऊपर आप वॉइस टेरर नहीं कर सकते। तो ऐसी हमारी करिश्मा भोसले जी आज हमारे साथ हैं। करिश्मा भोसले जी पूरी की पूरी अपने जीवन को हिंदुत्व को लेकर के जी रही हैं। उनके मन के अंदर छत्रपति शिवाजी राजे के वही विचार हैं, माँ जीजा के वही संस्कार उनके अंदर हैं। और इसी के साथ हम आपके बीच लेकर के आए हैं, क्योंकि करिश्मा भोसले जी जैसे नव युवाओं को इस समय पर उत्साहवर्धन की आवश्यकता, इनको डिमोरलाइज करने का जरूरत नहीं है। यह आतंक के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा हैं, इनको सम्मान, इनको पूरा का पूरा उत्साहवर्धन मिलना चाहिए। तो करिश्मा जी, बताइए आपके साथ क्या-क्या हुआ। पहले तो आप थोड़ा सा आपके बारे में बताइए, और फिर बताइए हमारा पूरा देश का जनता आपको सुन रहा है, हमारे सभी हिंदू भाई बहन सुन रहे हैं। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ और आपके ऊपर क्या अत्याचार हो रहे थे, बताइए। जय श्री राम। जी मैं यहाँ 20 साल से रह रही हूँ। मेरा नाम करिश्मा भोसले है, और जहाँ मैं रहती हूँ वो एरिया मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया है। तो काफी सालों से जी ये हमें तकलीफ है कि बिल्कुल हमारे बिल्डिंग के सामने हॉर्न लाउड स्पीकर इंस्टॉल किए हुए हैं। तो बहुत बार हम लोगों ने ऐसे ही लीगली जाने की कोशिश की कि मुझे हमें पता है कि ये लोग सुनते नहीं है किसी की। तो हम लोग ने लीगली जी जाने की ये कोशिश की कि लोकल पुलिस स्टेशन में हम लोग ने लेटर दिया, बट उस पर कोई जी कार्रवाई नहीं हुई। फिर एसीबी के पास हम लोग गए, वहां से भी कुछ नहीं हो पाया। फिर मैंने ये जी सोचा कि शायद हम लोग बात करके ही देखता है, जो अथॉरिटीज है मस्जिद के, जो अथॉरिटीज है उनसे ही बात करके देखते जी शायद कोई हल निकल है। तो मैं जी गई थी उनसे बात करने के लिए, तो उन्होंने काफी बदतमीजी से मुझसे बात की, बोला कि अगर अरे जम आवाज मैं उनके पास गई थी बात करने के लिए। हेलो, जी हाँ, बोलिए आप बोलिए। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं 3 बजे गई थी, तो उन्होंने कहा कि 5 बजे आइए शाम में। और 5 शाम को जाने से पहले ही काफी लोगों ने झुंड बनाकर रखा था मुझे मुझे पकड़ने के लिए, ताकि मुझे मेरे पे मॉब लिंचिंग हो सके, क्योंकि जो उनका इंटेंशन तो यही दिखा रहा था। जी तो जब मैं बात करने के लिए गई उनके उनके अथॉरिटी से, तभी वहां पे बहुत लोग जमा थे, और जो अथॉरिटी था, ट्रस्टी था, वो बाहर आया और उसने कहा कि कौन है तू, यहाँ पे क्यों आई है, अगर इतनी किसने तकलीफ हो बोला, रही है किसने हजार। किसने बोला ये बात आपको, किसने बोला? और जो ट्रस्टी है यहाँ के, जो इस मस्जिद का नाम नूरे इलाही मस्जिद है, नूरे इस इलाही। मस्जिद के सबसे ट्र पहले तो हाँ आप जी आपके एरिया के बारे में बताइए। कई सेकुलर हिंदू आज इस भ्रम में जी रहे हैं कि जहां पर अल्पसंख्यक लोग ज्यादा होते हैं, जहां पर ये जिहादी प्रवृत्ति के लोग ज्यादा होते हैं, वहां का हिंदू समाज खुश रहता है, वहां की हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित रहती है। ये बताइए आप बताइए कि किस प्रकार से वहां का माहौल है, थोड़ा सा वहां के माहौल के बारे में बताइए। सर दादा, यहाँ पे स्वामी जी, यहाँ पर जो भी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, सब 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 की सभी को ये तकलीफ है कि लेकिन कोई आगे आके ये बोलता नहीं है कि मतलब जो भी गलत चीजें हो रही है मुस्लिम समाज के से, उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं, क्योंकि क्योंकि लोग डरते हैं। उन लोगों को लगता है कि अगर हम लोग सामने जाएंगे तो हमारे बच्चों को मार देंगे, हमारे हस्बैंड्स को कुछ हो जाएगा, हमारे घर वालों को कुछ कर देंगे। इस दहशत में वो रह के कोई गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठा नहीं पाते मुस्लिम मुस्लिम समाज में। तो सुनिए हिंदू भाइयों और बहनों, हाथों में चूड़ी पहन के बैठ जाओ। एक बहन आकर के, एक एक हिंदू युवा नारी शक्ति आकर के लड़ रही है, लेकिन वहां पर कोई, यह हालत हो चुकी है हमारे भारत के अंदर हिंदुओं की। और हिंदू वो हमारी बहन बेटियां देखिए आगे आ रही है लड़ने के लिए,
जिहादियों से लड़ने के लिए, जिनसे आप डर करके घरों के अंदर बैठे हैं। तो सभी हिंदू भाइयों बहनों को कहता हूं कि जागो और ऐसी हमारी युवा पीढ़ी का साथ दीजिए। जी बताइए। तो सर यहाँ पे ये स्वामी जी, यहाँ पे माहौल ऐसा है कि हम लोग जो भी होता है उसे बस सहन करना है, आवाज उठानी नहीं है। ये यहाँ का माहौल बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं। तो जी गए बार जब कुछ टाइम पहले जब एनआरसी का मामला उठा था, एनआरसी सीए का, उस टाइम पर भी कुछ जी लोग हमारे बिल्डिंग में आके ये बोल रहे थे कि चलिए हमें बात करनी है एनआरसी पे। तो सारे घरों घर 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 जाके उन्होंने बुलाया। तो हमने कहा कि जी हम लोग नहीं आएंगे कि हम सीए के सपोर्ट में है, मोदी जी जो भी कर रहे हैं जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, अपने ही देश का जो सिटीजनशिप है उस रूल को देखने के लिए ये कोई गलत बात नहीं है, तो मोदी जी जो भी जी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। तो हम लोग नहीं जाने जी वाले थे, बट देखा कि कुछ हिंदू ही लोग उनके सामने खड़े होके उनकी बातें सुन रहे हैं। तो हमें लगा शायद से अब जाना चाहिए, क्योंकि शायद ये हिंदू ऐसे है, इनको पता नहीं है क्या हो रहा है देश में, तो हमें इन्हें बताना है कि जी क्या हो रहा है और किसके साथ में खड़े होना और किसके साथ में नहीं खड़ा होना है। जी तो तभी से हम लोग, उस टाइम भी बहुत झगड़ा हुआ था, पूरा ऑलमोस्ट पूरा कॉलोनी मुस्लिम समाज इनका एक होके हम मुझ पे और मेरी माँ पे के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। हमें मारने के लिए आ रहे थे। तभी भी मैंने पुलिस की नहीं, हेल्प ली, सबसे उन्होंने पहले तो मैं आया। आपको ये कह देता हूं कि आपको बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल डरने का जरूरत। आपके साथ हिंदू आश्रम मुंबई है, आपके साथ बजरंग दल है, आपके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। आपके पास अभी थोड़ी ही देर के अंदर हमारे 50 से अधिक हिंदू आश्रम के योद्धा पहुंचने वाले हैं, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। और मैं पुलिस को कहता हूं, प्रशासन को कहता हूं कि ऐसी बहनें जो जिहादियों से लड़ रही, जो आपको मारते हैं, आप बताइए ये वहां पर कैसा माहौल क्रिएट करके रखा। थोड़ा सा माहौल के बारे में बताइए। जी बोलिए। माहौल मतलब मैं बता सकती हूँ सर, यहाँ पे हिंदू लोगों की चलती नहीं है। ये तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया है यहाँ का कि यहाँ पे हिंदुओं के त्योहार भी होंगे, तो अगर उनकी अजान उस वक्त होती है तो हमें हमारा आरती बंद करना है, हमें हमारा जो गणेश चतुर्थी में जो डीजे बनता है बजता है वो सब जी बंद करना है, देवी जी की जो आरती होती है, गणेश जी की जो आरती होती है वो सब सब बंद करके इनकी अजान सुननी है। ऐसा माहौल इधर का है, इनके खिलाफ एक शब्द से भी कुछ बोलना नहीं है। अगर बोलते हैं तो ये लोग इतनी दहशत पैदा करते हैं कि वो लोगों के घरों में घुस के उनको धमकाते हैं कि हम तुम्हारे घर वालों को कुछ भी कर देंगे। ऐसा यहाँ का माहौल है। मतलब महिलाओं को अगर छेड़खानी भी होती है तो वो इस डर से चुप रहती है, बोलना बिल्कुल तो चाहती है, वो इस डर से चुप रहती है कि उनके भाई को मार देंगे, उनके पिता को मार देंगे, उनके पति को मार देंगे। जी। सबसे जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ उसी सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की थी जो न्यू न्यू शिफ्ट हुई थी, हिंदू फैमिली थी। उस लड़की को उसी बिल्डिंग के एक मुस्लिम लड़के ने छेड़ा, जो तो उस लड़की पलट के जवाब दिया। तो उस लड़के ने मतलब बाहर के एरिया के लड़कों को भी जमा किया, तलवारें वगैरह लेके उन लोग आए थे। तो यह स्थिति भारत के अंदर है हिंदुओं, देखो आप, और अधिक से अधिक इतनी बड़ी संख्या में आप जितने भी हिंदू हैं इस आवाज को फैला दीजिए, क्योंकि आज हमारे साथ में भारत की नए यूथ आइकॉन बैठी हुई है, करिश्मा भोसले जी। करिश्मा भोसले जी हम सभी की आइकॉन बन चुकी है युवा पीढ़ी की। अकेले खड़ी होकर के उन्होंने वॉइस टेरर के बारे में, आपको पता है हमारे जीवन जीने का अधिकार जो होता है, उस जीवन जीने के अधिकार में हमें शांति से नींद आ जाए, हम शांति से अपने काम कर पाए, जी इसका भी एक पूरा का पूरा अधिकार जीवन जीने का, उसका हनन करते हैं ये जो टेरर हमको बाद दिन में 5 बार, आपको बहुत परेशानी होता होगा सुबह 4 बजे जी से ही। सब जी स्वामी जी बिल्कुल। जब रमजान होते हैं इन लोगों के, तो इन लोग 3 बजे से इन लोग के अब भोंगा लगा देता है। ये कहते हैं कि उठिए सहरी का टाइम हो रहा है, सहरी करने के लिए उठिए, मस्जिद की घड़ी में इतना बज रहा है। हर एक चीज ये लोग बताते हैं और लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। और इतना ही नहीं, उन लोग हर एक बिल्डिंग में उनके लाउड स्पीकर इंस्टॉल करके लोगों को इसकी परेशानी देते हैं। और जब मैंने इस बारे में भी कंप्लेन की पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने कहा कि अभी कोरोना वायरस का लॉकडाउन है तो हम शायद से कुछ ना कर पाए। तो फिर भी पुलिस आते थे लेकिन इतना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हो पा रहा था। पुलिस तो उस दिन पुलिस को तो हमने देखा है करिश्मा जी, पुलिस को देखा, आपके सामने पुलिस वालों को मारने की कोशिश कर रहे थे, मैंने जी वीडियो में जी देखा सर है। जी स्वामी आप जी सोचिए हिंदुओं, ये भारत है, और जो जहां पर करिश्मा जी बैठी है वो हमारे मेरे यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर, मैं अंधेरी में हूँ, वो इस समय पर मानखुर्द में है, लेकिन मान ये मुंबई है, हम जहां पर बैठे करिश्मा जी ये मुंबई है, और मुंबई जी देश की आर्थिक राजधानी, वहां की क्या स्थिति आप बताइए, ये मुंबई का स्थिति आप बताइए,
कितना डरते हो आपके आसपास के हिंदू तो सब डरे हुए होंगे। बिल्कुल, एक जब मैं आवाज उठाने के लिए गई तो मेरे साइड से एक हिंदू नहीं आ रहा है, बोलते कि नहीं हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग समझते कि हिंदू मुस्लिम एक ही है, हमको किसी के अगेंस्ट जाना नहीं है, उनका ये बात है नहीं, हिंदू लोगों का यहाँ अगर पर। एकता होती तो आप इतनी वहां पर रह रही है बचपन से, आपके साथ में रहने वाले लोग हैं, वो लोग चाहते तो आपको बोलते कि बेटा करिश्मा क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने भाईचारा दिखाया कि आपको नहीं बिल्कुल नहीं, उन्होंने क्या, जाते ही उन्होंने आपको क्या बोला? उन्होंने बोला कि कौन है तू, यहाँ पे क्यों आई है, तो मैंने बोला मैं रिक्वेस्ट करने के लिए आई थी, तो बोलता है ये कोई कंप्लेन करने की जगह है, पुलिस स्टेशन जा और वहां पे कंप्लेन कर, अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो कान में कापूस डाल के बैठ, एरिया चेंज कर, ये सब उन्होंने देखिए मुझसे बातें की। हिंदुओं, इसे कहते हैं लैंड जिहाद भी, इसे कहते हैं आतंक हिंदू हमारे। ये आपको वीडियो दिखाता हूँ हिंदुओं, पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो आपको दिख रही है वो है यही हमारे साथ जो बैठी करिश्मा भोसले जी। और करिश्मा भोसले जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल मत घबराना, चाहे आपके एरिया के हिंदुओं ने हाथों में चूड़ियां पहन लियो, लेकिन आपने हाथों में चूड़ियां पहनने के साथ में तलवार उठाने का जज्बा दिखाया तो आप बिल्कुल ना घबरा, आपके साथ भारत सरकार खड़ी है, मेरा भारत सरकार के कई मंत्रियों से बात हुआ, आप बिल्कुल ना डरे। और मैं महाराष्ट्र जी के सर, हमारे बिल्कुल, आप बिल्कुल ना घबरा, योगी आदित्यनाथ जी तक भी यह बात जाने वाली है और आपके साथ पूरा भारत का हिंदू समाज खड़ा, बिल्कुल ना घबरा। बताइए आप फिर क्या हुआ, आप जो वहां पर गए थे। तो जब मैंने उनसे बात करनी शुरू की तो पहले से उनके लड़के लोग वहां पे हिंदू समाज मुस्लिम समाज के लड़के लोग वहां पर थे, और इतने मुस्लिम लोगों के इतने लोग थे कि वहां पे हिंदू हिंदू का एक इंसान नहीं खड़ा था मेरे साइड से, मेरे साइड से बात लेकिन करने फिर को। भी आप डर नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं डरा, डर लगा ना नहीं नहीं आपको? बिल्कुल नहीं डरी थी, नहीं इसे बिल्कुल हिंदुओं, नहीं। हिंदुओं इसे कहते हैं झांसी की रानी। आज 2020 के अंदर कई लोग कहते थे कि हमने झांसी की रानी को नहीं देखा, तो आज आपके स्क्रीन पर देखिए झांसी की रानी स्वयं बैठी है, 2020 की झांसी की रानी। जैसे उस समय पर झांसी की रानी उन देशद्रोहियों से लड़ रही थी, वैसे ही आज झांसी की रानी हमारे साथ करिश्मा भोसले जी है, वो लड़ रही है। ये मान खुर्द की हमारी झांसी की रानी है, मुंबई की, हमारे भारत की। तो बहुत बहुत आभार आपका, बताइए आप, बताइए आप। तो स्वामी जी जब मैं वहां पे गई इस ये सब बातें, तो उसने मुझे जो जो ट्रस्टी था मस्जिद का, उसने मुझे ये सारी बातें कही कि आप छोड़ के जाओ, कान में कापूस डालो, तकलीफ है तो ये कंप्लेन करने की जगह नहीं है, यहाँ पे किसने बुलाया, ये हमारी जगह है, ये तेरी, मतलब जो औरतें थी मुस्लिम समाज की, उसमें से जो मेरे साथ औरत, जो औरत मेरे साथ झगड़ा कर रही है ना, वो औरत यहाँ पे चरस हाँ गांजे का बिजनेस करती है। आप देखिए कितना बड़ा और कितना बड़ा खुलासा किया है आज। आज करिश्मा जी, झांसी की रानी जी, आज हमारे यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर एंटी नार्कोटिक्स डे है, और आपने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि एंटी नार्कोटिक्स डे के दिन के देश की आर्थिक राजधानी के अंदर जो महिला वहां पर एक धार्मिक स्थल में घुस रही थी, आपको डरा रही थी, वो वहां पर ड्रग्स का धंधा करती है, आज बहुत बड़ा खुलासा जी किया हमारी झांसी की रानी ने। और निडर होकर, क्योंकि ड्रग्स का व्यापार हमारे हिंदू लड़कों की रगों के अंदर घुस रहा है, उस महिला का नाम क्या, उस जिहादी जिहादन का नाम क्या, बताइए आप। उनका नाम मुमताज है, ये मुझे उनका पूरा देखिए नाम नहीं कैसे कैसे पता। नाम है, अरे मुम होगी वो खाली, ताजवाज तो क्या होगा इनके माथे पर, ये तो सड़क छाप लोग हैं, इस प्रकार के गलत धंधे करते हैं। और आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपके साथ पूरा भारत का हिंदू समाज और हिंदू आश्रम मुंबई खड़ा। जी बताइए फिर क्या हुआ। और फिर वो भी मुझे बोलने लगी तेरी बाप की जगह है क्या, तू यहाँ पे क्यों आई है, हम लोग थोड़ी तुझे बुलाने के लिए आए थे इतनी। और एक दूसरी औरत बोलती है कि 20 साल से ये मस्जिद है, तभी तो किसी को तकलीफ नहीं हुआ, तो मैंने बोला तब भी नहीं हिम्मत की हम लोग ने आने की, अब हिम्मत करके हम लोग आ रहे हैं सामने की, नहीं जम रहा हम लोगों को, तकलीफ बहुत सहन की हम लोगों ने। तो बोलती है अरे ये मस्जिद तो रजिस्टर्ड है, तो बोलती मैंने कहा कि मस्जिद रजिस्टर्ड है, मस्जिद का वॉल्यूम भी रजिस्टर्ड है क्या, आपके जो भोंगे का जो वॉल्यूम है वो भी रजिस्टर्ड है क्या। तो बहुत सही ऐसी कहा बहुत आपने, और सारी, आपका वीडियो देख करके इस देश की हर हिंदू माँ बहन बेटी जागी। आप आइकन बन चुकी है करिश्मा जी, इस समय पर आप हिंदुओं की आइकन बन चुके, हमारा बहुत आशीर्वाद है और हमारा साथ है, हर हर तरीके से हम आपके साथ है, तन मन धन। धन्यवाद आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, रोज अबू जी। आजमी को मैं कहता हूँ कि अगर इस किरण हमारी, माफ करना, हमारी झांसी की रानी करिश्मा भोसले जी के
कपड़े के एक धागे को भी अगर नुकसान हुआ ना, तो अबू आजमी तुम्हारी सात पुश्ते हैं, तुम्हारी सात आने वाली पीढ़ियां ये सोच करके भारत में जन्म नहीं लेंगी कि हमने क्या कर दिया था हमारे अबू आजमी ने उस समय पर। तुम कहते हो कि ये घर छोड़ करके चली जाए, क्यों जाए घर छोड़ करके चली जाए। और ये अबू आजमी मैं आपको बता देता हूँ, ये अबू आजमी वही है जिसने मुंबई के अंदर बम ब्लास्ट कराए थे, ये अबू आजमी वहां पर आतंकवादियों का समर्थन करता है, बताइए आप करिश्मा जी। तो सर स्वामी जी, उसके बाद में मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर, मेरी माँ ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था, क्योंकि पता है ये लोग तो बहुत जाहिल होते हैं, इनको अच्छी भाषा समझ नहीं आती है, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी सी मतलब रिक्वेस्ट के साथ गई थी। आपके साथ बेटी जैसा, बहन जैसा कोई व्यवहार ही नहीं, बिल्कुल दुश्मन भी जैसा नहीं, व्यवहार। बिल्कुल भी बिल्कुल, जैसे ऐसे था कि मैं कितने सालों से इनकी दुश्मन बनी हुई हूँ और इनको मुझे कुछ कैसे ही कर कैसे कैसे भी करके नष्ट करना है, ऐसे तरह से उन वो मेरे से बात कर रहे थे। तो नहीं, जब मेरी बिल्कुल माँ आई, करिश्मा जी। हाँ हाँ बोलिए 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 आप। तो जब मेरी माँ आई और फिर मेरी माँ से, आप मेरी माँ को देख रहे होंगे वो वीडियो में मैं देख रहा हूं जी, वो मेरी माँ है जो वीडियो में आई है। फिर उन्होंने, जी। मेरी माँ ने पहले ही फोन कर रखा था पुलिस को कि पता ये लोग, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ गई थी, लेकिन उन्होंने उस चीज को ये बहुत बड़ा इश्यू बना दिया। जबकि एक्चुअली उनका इंटेंशन ये आपकी था। आपकी माँ को बहुत भयंकर सिर दर्द होता है, और उनको मैंने मैंने मालूम किया तो बताया लोगों ने कि उनको स्ट्रेस है भारी, उसके बावजूद उनका नींद जल्दी खुल जाता है इस भोंगों की वजह से, और काफी सारे वहां डिप्रेशन के मरीज रहते हैं, काफी लोगों को बीपी है, तो वो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप समझाने गई थी कि थोड़ा आवाज कम कर दो। जी, मैंने बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट थी मेरी, वो भी एकदम काम साइलेंट में ये रिक्वेस्ट की थी कि दादा जी आप आज वॉल्यूम कम कर सकते हो क्या। तो उस पर इतनी बदतमीजी से उन्होंने मुझसे बात किया ना, शायद मुझे लगता नहीं कि ऐसे इतने साइलेंट बात करने के बाद ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है कहीं 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 और किसी कहीं जगह पे। फिर लोग ये लोग कहते हैं कि हमारे में हमारे मजहब के अंदर महिलाओं की बहुत इज्जत है। इज्जत है क्या? जी, ये बिल्कुल लोग इज्जत कहते नहीं हैं है कि ना। हम, बिल्कुल इज्जत नहीं है, बिल्कुल इज्जत नहीं है। मतलब वहां पे जो लड़के लोग थे, मुस्लिम समाज के जो लड़के लोग थे, उन्होंने भी मेरे से बहुत बदतमीजी से लड़के मत बात की। कहिए, लड़के करिश्मा जी, लड़के मत कहिए, आप जिहादी कहिए, जिहादी राक्षस है वो, जिहादी आतंकवादी जी बोलिए। बिल्कुल, तो वो जो जिहादी लड़के थे उन्होंने भी मुझसे बहुत ही बदतमीजी से बात की, बोलते कि इसको डालो गाड़ी, जब क्योंकि वैसे तो फुल हम लोगों ने किया था पुलिस को सिक्योरिटी के लिए, तो जी जब पुलिस आई तो उनको लगा था कि पुलिस कैसे आ गए, हम लोग ने बुलाया नहीं पुलिस को, पुलिस कैसे आ गए। तो एक्चुअली उनका यही जी इंटेंशन था कि सारे लेडीज लोगों को जमा करके वो मुझे मारने मैंने का। देखा है, मैंने मैसेज देखे हिंदुओं, आप सुनिए, 50,000 लोगों ने करिश्मा जी का गैंग रेप करने की बात कही, आपने भी देखे होंगे करिश्मा जी मैसेज, वो मैंने भी देखे, तो करीब 50,000 लोगों के ऐसे कमेंट्स हैं, और ये सारे जिहादी हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम करिश्मा का गैंग रेप करें, तुम्हारी तुम इस देश के अंदर रह नहीं पाओगे, तुम करिश्मा की तरफ अगर गंदी नजर से देखोगे तो तुम्हारी आंखें फोड़ दी जाएगी। ये भारत है, नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, योगी आदित्यनाथ का जी भारत है, बिल्कुल। बिल्कुल आप बताइए बोलिए। और फिर उसके बाद पुलिस आए तो आपने देखा ही होगा वीडियो में कि पुलिस लोगों के साथ भी जी वो बदतमीजी से बात कर रहे हैं। उसके बाद वहां के वो जो जिहादी लड़के थे, बोलते बात डालो नहीं कर इसको रहे हैं गाड़ी तो के मार रहे अंदर, थे पुलिस वालों को, मार मार रहे रहे थे वहां थे, पर मार रहे डब्बे थे, में। बिल्कुल उनको मार रहे थे वो लोग। और फिर जब गाड़ी आई तो हमें लेके गई, बोलते वहां के लड़के लोग इसके बाप का मस्जिद है क्या, आप आ गई यहाँ पे बोलने के लिए, ऐसा बहुत कुछ हुआ बातें, लेकिन मुझे अभी वो इतनी याद नहीं क्योंकि मैं अपने ही टेंशन में उनसे बात कर दी थी। बाद में हम लोग गाड़ी में बैठ के जी जब पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो जहां मैं, जो यहाँ का एरिया लोकल पुलिस स्टेशन है जो गोवंटी में जी आता है, लल्लू भाई पुलिस स्टेशन, वो जी लल्लू भाई पुलिस स्टेशन का जो कॉलोनी है वो पूरा कॉलोनी मुस्लिम लोगों से भरा हुआ था और हिंदू साइड से एक इंसान नहीं था और और एक उनके भी नहीं था लड़के ना एक भी नहीं था, जी। और मुस्लिम समाज के वो जो जिहादी लोग हैं उनसे पूरा जो कॉलोनी है लल्लू भाई कॉलोनी, उनकी सारी जी औरतें लड़के लोग, उन लोग फटाफट फटाफट जमा होते जा रहे थे और पुलिस सिक्योरिटी भी उन इसीलिए वहां पे बढ़ती जा रही थी, लेकिन पुलिस ने ये नहीं बोला उनको कि आप इतने लोग क्यों खड़े हो यहाँ पे, एक लेडी, एक दो लेडीज आई है हमारे पास, तो इतने लोगों को आने की जी क्या जरूरत है। लेकिन पुलिस ने जी इतना तक उनको बोला नहीं, इतनी तक हिम्मत पुलिस अपने पुलिस में नहीं है कि हम उनको ये बात बोल सके। अगर उसी जगह पे अपने हिंदू लोग होते तो जरूर बोलते कि इतने लोगों का क्या काम है, घर पे जाइए अपने अपने। जी बिल्कुल तो आपने उसके सही बोला, बाद मैं पुलिस को कहना चाहता हूँ, पुलिस
पुलिस को कहना चाहता हूं कि किसी के दबाव में मत बात। मैंने भी कई अधिकारियों से बात किया, मैंने भी अभी बड़े बड़े मुंबई के पुलिस अधिकारियों से बात किया, वो सब इनकी मॉब देख करके घर जाते हैं। वो जी सारे के बिल्कुल, सारे लोग इन मॉब देख करते हैं। तो सभी लोगों से कहता हूं कि आप मॉब देख करके डरो मत, हम आपके से, ये देश हिंदुओं का है, ये देश, वो मानते ही नहीं है कि अपना देश है, वो आपको बहन नहीं मानते, बेटी नहीं मानते, हिंदुओं की बिल्कुल स्त्रियों को वो कुछ भी एकदम से सामान्य मानकर से कार्य करते। जी बताइए जी आप, स्वामी जी। तो उसके बाद फिर बात बोलिए सामने, वो जो ट्रस्टी था उस ट्रस्टी को बताइए बुलाया आपको। गया, जो 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 ट्रस्टी था मस्जिद का, उसे बुलाया गया और उसे पूछा कि आगे क्या हुआ। तो जी जब जो जो अवतार उसका इस मस्जिद में था, इस कॉलोनी में था, जब मैं अकेली थी, और उसका अवतार पुलिस स्टेशन पहुंचने के जी बाद पुलिसों के सामने पूरा बदल चुका था। मतलब एकदम एकदम सभ्य व्यक्ति बन चुका था वो। जब पुलिस स्टेशन पहुंचा, बोलता मैंने ऐसे बोला ही जी नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है, नहीं, ऐसे बेटा मैंने ऐसे नहीं बोला। उसका पूरा अरे ये अवतार बहुत बदल चालाक चुका था। लोग हैं, ये बहुत जी चालाक लोग हैं, बिल्कुल और ये एकदम से रंग बदलते हैं, ये भेड़िए रंग बदलते हैं ये लोग। तो मेरे हिंदू भाइयों और बहनों, इस समय पर हमें करिश्मा जी के साथ खड़े होना है, और करिश्मा जी का अभी फेसबुक पर नया पेज बना है, तो सभी लोग उस पेज को लाइक करें। इनके ट्विटर पर रात में ही रातों रात इनके फॉलोवर जो बढ़े, और हम सब इनके फॉलोवर हैं, हमारी अच्छी सी बिटिया है, हमारी बहुत प्यारी बहन है, और झांसी की रानी है भारत की, तो बहुत आशीर्वाद है। और बताइए आप कैसा भारत चाहती हैं? आप इस आंदोलन को रुकने देंगी, यही रोकेंगी, या घर पर बैठ जाएंगी, नहीं, क्या करना बिल्कुल नहीं। चाहती हैं? मैंने पहले तो सोचा था कि जो मेरा एरिया, जहां पे मैं रह रही हूँ, मुझे वहां का तकलीफ है, तो मैं ये सोच के गई थी कि जो मुझे तकलीफ है वो हॉर्न में हटा देती हूँ, मतलब आवाज कम कर जी देती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे। बट इतनी सी जी बात को जब अब जब उन्होंने इतना बढ़ाया है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर रुकूं, क्योंकि मेरी तो काफी छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि आप आवाज कम कर सकते हो क्या। मैंने डिमांड भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की थी कि आवाज कम कर सकते हो क्या। तो अगर उन्होंने इस बात को जी इतना बड़ा किया है, तो अभी मुझे नहीं रुकना है। अभी मुझे मेरे स्टेट, अपने महाराष्ट्र के स्टेट लेवल तक, अपने नेशन लेवल तक स्टेट जाके नहीं, ये पूरी बातें अब आप रोकनी पूरी है। दुनिया के अंदर, स्टेट नहीं पूरी दुनिया के अंदर, आपको पता न्यूजीलैंड में इनको इनके सारे भोंगे उतरवा दिए, जापान में उतरवा दिए, चाइना में उतरवा दिए, तो हमें पूरी दुनिया के अंदर इनका ये रूप सामने दिखाना है। ये लोग जी अमेरिका बिल्कुल में जाकर के, ये अमेरिका में जाकर के और एक ऐसे बन जाते हैं कि गाय, भारत में इन पर अत्याचार हो। आप बताइए मुंबई में इन पर अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार करते, बताइए आप। नहीं, यहाँ पर अत्याचार सिर्फ हिंदुओं पर ही होता है। वो लोग भारत में, दिखाते हैं, मुंबई में, मुंबई का बताइए आपके एरिया का बताओ, आपको ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान में रह रही, बताइए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ, क्योंकि हमारे जब जब हिंदुओं के त्योहार होते हैं, वो तो तब इतने इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट नहीं कर सकते जितने वो लोग इतने बड़े डीजे के साथ यहाँ पे लोगों को तकलीफ देते हैं। वो काम हिंदू लोग नहीं करते, तो मुझे लगता है कि उनकी दहशत बहुत ज्यादा है। और आप इस देश की माँ बहन बेटियों को, नारी शक्ति को, हिंदू भाइयों को क्या कहना चाहती है, बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब कुछ समय पहले मेरी भी माँ पापा मुझे रोकते थे कि उन लोग हम लोग के साइड, हम लोग के बाजू से कोई हिंदू लोग नहीं आएंगे, लेकिन उन लोग के बाजू से बहुत लोग आ जाएंगे। तो यही सोच सोच के लेकिन मैंने बहुत टाइम ढक खेला। अब आपको हमें देख के लगता है कि नहीं, आपके साथ कोई है कि नहीं, आप नहीं बिल्कुल, बताइए। अभी मुझे लगता है कि मेरे साथ पूरा मेरा देश खड़ा है। अभी मुझे डरने की बिल्कुल जरूरत पूरा नहीं है। देश खड़ा है, बस आगे आने की जरूरत रहती है। करिश्मा जी, आप पहली जी आइकॉन बन बिल्कुल चुकी है इस समय पर, आपने इनके आतंक में, आतंक के एक साम्राज्य को फोड़ने का सबसे बड़ा काम किया है, क्योंकि हम 5 टाइम वो क्यों सुने। आज मोबाइल है, बिल्कुल आज नई नई फैसिलिटी, घड़ी में अलार्म होता है, हाथ वाली घड़ियों में अलार्म आने लग गए हैं, आजकल हर चीज में अलार्म होता है, तो अलार्म ला के रख लो और उठ के सीधे चले जाओ। और ये सेकुलर कंट्री है, अगर इंडिया सेकुलर कंट्री मानते हो तो दूसरों को अपना बातें क्यों सुनाते हो? वैसे तो ये हिंदू जी राष्ट्र बिल्कुल है, तो आप क्या हिंदू राष्ट्र अभियान में, जो आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं भारत को? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ मेरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने, जो इस देश का नाम है। जैसे एक्चुअल सच ये कहना चाहूंगी मैं कि हमारे देश में सच कोई भी बात में यूनिटी नहीं है। कोई इंडिया बोलता है, बिल्कुल, कोई भारत बोलता है, कोई हिंदुओं हिंदुस्तान को बोलता यूनिटी है। होना चाहिए। जी बिल्कुल, हिंदुओं का यूनाइट होना चाहिए। जो हमारी सरकार है, जैसे हमारी भाषा है, कोई भी, जैसे हमारी भाषा हिंदी है, तो हमें हिंदी में संवाद रखना चाहिए। इंग्लिश जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज जी करते हैं, उसकी वजह से वेस्टर्न कल्चर आ रहा है और हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं ढलती जा रही है।
जी, देखिए आप और हिंदुओं, एक हमारी हमारी एक बहन ने ऐसी चिंगारी के समान ज्वालामुखी बनकर के लेकर के आई है। अब इस ज्वालामुखी के अंदर इन जिहादियों का सबा सत्यानाश हो जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं सभी को कि हमें आई सपोर्ट करिश्मा भोसले ऐसे करके हैशटैग चलाइए, आई सपोर्ट करिश्मा भोसले। सब हिंदू मेरे भाइयों बहनों ट्विटर पर चलाइए, आप फेसबुक पर चलाइए, आप यूट्यूब पर जितना चाचा चाहते हैं आप सभी वीडियो बना करके, और हम आपको करिश्मा जी का अकाउंट बताएंगे, फेसबुक का पेज बताएंगे जहां पर आप उनसे जुड़ सकते हैं, उनके विचारों को जान पाएंगे। अब ये हमारी झांसी की रानी को अब हमें शहीद नहीं होने देना, बलिदानी नहीं होने देना, इन्हें हमें मदद करना है। वरना क्या होता है, तब हम मदद करते जब कोई चला जाता है। तो मैं कहता हूं पुलिस को भी कि अगर हमारी करिश्मा भोसले जी को आवाज भी ऊंची आवाज में किसी ने बात किया तो फिर लॉ एंड ऑर्डर आप ही संभालते रह जाना, फिर जो होगा हमसे मत कहना। आप बताइए जी बिल्कुल आपके सर। एरिया में ये जो जिहादी लोग हैं, ये जो अल्पसंख्यक कहते हैं अपने आप को, ये आप अल्पसंख्यक है तो आपके साथ कैसा वहां पर बिहेव करते बताइए। स्वामी जी कहने के लिए मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक है, लेकिन सही मायने में हम हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। जो उनके विचार हमसे ज्यादा हम पे लादे जाते हैं, उस हिसाब से तो यही जी लगता है कि हम अल्पसंख्यक है। और अभी बिल्कुल अब जो ये और अब जो हमारे जो ये सब माहौल बना है, उसके बाद से लोग हमारे खिड़कियों के पास देख के हमें गालियां देते हैं। लोगों को इकट्ठा करके सारे उनके जिहादी लड़के औरतें इकट्ठे होकर हमारे खिड़की में वीडियोस बनाते हैं, हमारे हमें नीचे खड़े होकर हमारे घर खिड़की में देख के गालियां देते हैं। तो कल यही माहौल कॉलोनी में बन चुका था दोबारा, जैसे दंगा कैसे होता है ना, एक बहुत जी इंटेंस सिचुएशन दिखाई देती है, वैसे नहीं सिचुएशन ये नहीं लोग ये बनाने की क्या, कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे। और आप बिल्कुल घबराइए मत, हम आपके साथ खड़े, हिंदू आश्रम मुंबई खड़ा है, पूरा देश पूरा हिंदू समाज आपके साथ खड़ा है। और उन जी जिहादियों को भी स्वामी कह रहा जी, हूँ, यहाँ पर वो जिहादी कुछ आपको देख रहे हैं तो उन जिहादियों को भी कहता हूँ कि अरे सुनो जिहादियों, अगर इस हमारी झांसी की रानी के कपड़े के धागे को भी छुआ तो तुम्हारा वो हश्र कर देंगे कि तुम 7 पीढ़ियां तुम्हारी भारत में जन्म लेना भूल जाएगी। बताइए करिश्मा जी आपके साथ हाँ जो बिहेवियर हुआ और आपको कितना डर लगा, डर तो लगता ही नहीं आपको, नहीं, खैर बिल्कुल नहीं डरती, लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे मेरा भगवान पे दुख बहुत हुआ होगा विश्वास है। कि, दुख हुआ होगा कि हम जिनके साथ रह रहे हैं वो लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, पीड़ा हुई होगी। स्वामी जी सच कहूँ ना, मतलब दिल से बिल्कुल कहूंगी कि मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ कि ये लोग हमारे साथ रहते हुए भी ऐसा कर रहेंगे, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ और बहुत से हिंदू लोग ये जान चुके हैं कि मुस्लिम समाज के लोग किसी के नहीं होते, उन्हें अपने धर्म के सिवा कोई नहीं दिखता, ना इंसानियत दिखती है ना कुछ और दिखता है, इन्हें सिर्फ अपना धर्म चाहिए और ये धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा सकते हैं, ऐसे लोग है ये। तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ ये देखने के बाद कि ये लोग हमारे साथ रहते हुए हमारे सपोर्ट में नहीं खड़े होके हम पे ही मतलब जो बात मैंने उठाई उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, तो बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ इस बात का। तो देखिए अब ये हिंदुओं, हमारे बीच इतना बढ़िया विचारधारा लेकर के अगर कोई काम कर रही है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। और बिल्कुल मत घबराना, आपको ये लोग सोचेंगे कि आप एरिया छोड़ करके चले जाओ, लेकिन आप ऐसा करना है कि वहीं पर रह करके उनकी विचारधारा को खत्म करना है। क्यों ऐसा जी चाहते हैं ये लोग, बिल्कुल ये क्या भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं ऐसा लगता है? जी जी बिल्कुल लगता है, इन्होंने क्योंकि ये लोग क्या सीएम के करते हैं विरोध हम में भी लोग वहां के पर नारे लगाए थे, मैंने सुना भारत तेरे टुकड़े होके जी भी नारे जी लगाते हैं लोग। जी बिल्कुल। जब मैं अभी कुछ महीने पहले लॉकडाउन मतलब कोरोना वायरस के लॉकडाउन के पहले यहाँ पे कुछ लड़कियों ने यहाँ पे सीए के अगेंस्ट बात करने के लिए पूरे बिल्डिंग में लोगों को जमा किया था, तब उसमें मैं गई जी थी देखने के लिए कि लोग क्या बात कर रहे हैं। तो वो जो जी लड़की थी जो बता बता रही थी खुद को कि मैं डॉक्टर हूँ, उसका नाम पूजा बड़े है, और उसके साथ एक जी और उसका एक फ्रेंड था जो उसको असिस्ट कर रहा था, वो था बबन ठोके। तो जब बबन मैं टोपी हम लोग देख जी जी और वो जो डॉक्टर थी उसका नाम था पूजा बड़े। जी तो जब हम लोग मैच गई देखने के लिए क्या बात कर रही है, तो वो पूरा गलत अफवाह फैला रही थी कि मोदी जी ये करेंगे, मोदी जी वो करेंगे और डिटेंशन कैंप्स में डालेंगे, जिनके भी डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं करेंगे उनको सबको देश से बाहर निकाल फेंकेंगे और मतलब जेल्स में अफवाह डाल फैला रहे देंगे। थे, अफवाह फैला रहे थे, एक जी क्राइम कर बिल्कुल रहे थे। अफवाह फैल जी, वो लोग सारे मुस्लिम हिंद वो ये भी चाहते थे कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं तो हिंदुओं को भी लेके हम ये मोदी सरकार को गिराए, ऐसी उनकी धारणा है। उसको वो कहते हैं जय और भीम जय भीम, जय भीम जय भीम, जी 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 बिल्कुल। दलितों को साथ में ले ले।
हाँ दलितों को साथ में लेके अपना जो मकसद है वो साथ करना, साध्य करना। और फिर हिंदुओं, पता है क्या हुआ था, जो दलितों का नेता था सबसे बड़े जोगेन्द्रनाथ मंडल, उनको पाकिस्तान में जिन्ना लेकर के गया था और उनको ले जा करके फिर वहां पर सारे हिंदुओं को मरवा दिया था, क्योंकि वो अपने साथ लाखों लोग ले गए थे और वो लाखों लोगों को पाकिस्तान में काटा गया। तो मैं कहना चाहता हूँ, जय भीम मत मानिए, ये लोग किसी बिल्कुल के नहीं, नहीं होते। जय भीम हो सकता है, जय भारत हो सकता है, जय हिंदू हो सकता है, लेकिन जय भीम कभी नहीं होगा, वो आपके कभी नहीं होंगे। क्योंकि ये बहन हमारे सामने उदाहरण है, वो हमारे यहाँ पर करिश्मा जी एक कथावाचिका है, वो कथावाचिका ने मंच से कहा कि मैं अजान के लिए कथा रोक देती हूँ और अजान होने देती हूँ, तो आज उनको आप बताइए भाईचारा ये लोग रखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हम भाईचारा बिल्कुल रखते हैं, हिंदू लोग भाईचारा बिल्कुल रखते हैं कि अगर कोई दोस्त है जहाँ पे हम काम करते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं, कोई फ्रेंड्स है, मुस्लिम फ्रेंड्स है, तो हम उनके साथ चले जाएंगे उनके दरगाह में, उनके अल्लाह का जब जी नमाज होगा, अजान होगी, तो हम नमाज पढ़ेंगे। लेकिन जब हम जी बोलेंगे कि हमारे मंदिर में चलो, तो बोलेंगे नहीं नहीं हमें जी नहीं चलता है, हम नहीं जा सकते, हमारे हमारे कुरान में लिखा है कि हिंदू लोगों के किसी ने भी जाना नहीं है। तो उन लोग की तरफ से वाह भाईचारे का एक कदम भी नहीं है, लेकिन ये जी, कदम बस हम ही एक बढ़ाते छोटा रहते हैं। सा जी, यहाँ पर पूरा हिंदू समाज, आपको पता है आपको कितने लोग देख रहे हैं इस समय पर, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों, सिर्फ स्क्रीन पर ही आप देखिए, कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सब कह रहे हैं हमें नहीं झांसी की रानी मिल गई, अब हिंदू जाग जाएंगे। ये अभी आवाज काहे की आ रही, जी अजान की आ रही क्या? खिड़की जी अभी मैंने खिड़की लगाई हुई है तो ये आवाज है, तो जब मैं खिड़की खोलती हूँ ना, खुलवा ऑलमोस्ट के, ये घर में जरा खिड़की खुलवा के सुनाइए ये आवाज सभी को, ये बदनुमा आवाज लोगों को सुनाइए, ये प्रेशर, ये टेरर का एक और आवाज जिस सुनाइए। ये तरह देखिए हिंदुओं, आवाज ये देखिए इस समय पर, थोड़ा शांत रह के सुनते हैं। और सर ये आज आवाज उन्होंने कम करवाई है क्योंकि कल से पुलिस बैठी है यहाँ पे, तो देखिए आज ये इनके आवाज घर के कम आपको अंदर हम सुनने को लाइव कर रहे हैं, मिलेगी। उस समय पर लाइव कर रहे हैं, उस समय पर आवाज इतनी तेज इनके कानों तक आ रही है, तो सोचिए जब तेज, आज तो कम कर लिए उन्होंने दहशतगर्दों ने, जिहादियों ने, लेकिन और दिन तो इनके दिमाग पर, इनकी माता जी को सर दर्द होता है। ये एक सामान्य परिवार है, ये कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आती है, इनके पिता विधायक, ये देखिए कितना तेज आवाज आ रहा है, रोज ऐसा ही होता है आपके साथ दिन में 5 बार? जी, 5 बार सुबह 5:30 बजे चालू हो जाता है उनका ये। और आप ये जान के हैरान हो गए कि हमारे काफी दूर एक एरिया है, वहां की मस्जिद का आवाज मेरे घर तक बिल्कुल क्लियर शब्दों में सुनाई देता है। अभी अरे दोनों की ये आवाज मिक्स हुए हुए है, दोनों अजान एक साथ में हो रही है। तो हिंदुओं, जो लोग कहते हैं कि भाईचारा भाईचारा, वो देख लो करिश्मा जी से, हमारी झांसी की रानी करिश्मा भोसले जी से सीखी, ये देखो कितना तेज आवाज आया, देखो जी बिल्कुल, देखिए आप सब सुनिए प्लीज। सुनने दीजिए करिश्मा, थोड़ी देर सबको सुनने दीजिए। जी इतनी तेज आवाज हो जाती है, ये आज बहुत कम है क्योंकि कल दंगा, मतलब ऑलमोस्ट कल पुलिस दो वैन अभी खड़ी है हमारे कॉलोनी के नीचे, और दोनों जगह पे पुलिस बंदोबस्त किया हुआ, इसलिए आज ये आवाज कम है। 300 मीटर की दूरी पर एक एरिया है, वहां पर एक मस्जिद है, उसकी आवाज भी इतनी क्लियर शब्दों में आती है कि मैं शायद से थोड़े देर मुझे याद हो जाए उनकी अजान, इतने क्लियर शब्दों में उनकी आवाज यहाँ तक आती है, सोचिए आप। और आप कभी अगर गणपति के भजन इतनी तेज बजा दो तो ये लोग आपको मारने आ जाते होंगे। जी बिल्कुल, सब तुरंत पुलिस आ जाती है हम उस टाइम पे तो। और ये लोग जब इनके मुहर्रम होते हैं तो 12-12 बजे तक इन लोग के मुहर्रम में ये लोग बोलते हैं चिल्ला चिल्ला कर, पता नहीं इनको क्या बोलना होता है, लेकिन इतनी चिल्ला कर ये लोग हर एक बात बोलते हैं। और अभी जो मुहर्रम गया कुछ, ये इस साल का जो मुहर्रम था, उस मुहर्रम में तो ये लोग बोल रहे थे कि इन लोग के भगवान कोई भगवान नहीं है, वो भी माइक में, हिंदू एरिया में ये लोग रह रहे हैं, और वहां पे बिंदास पूरी हिम्मत के साथ ये लोग बोल रहे हैं कि हिंदू भगवान कोई भगवान नहीं है। मतलब सोचिए आप इन लोग की अरे हिम्मत कितनी है। बाप रे, इतना हिम्मत, सोचो हिंदुओं कितनी का, हिम्मत ये सर, आप
आपको क्या लगता है कि करिश्मा जी अगर हिंदू नहीं जाएगा तो 5 साल में क्या होगा भारत के अंदर? सर मुझे लगता है कि जैसे कुछ जैसे अभी जैसे जगह खाली करवा देते उनका हैं लोगों पॉपुलेशन को बढ़ जाएगा तो ये क्या करेंगे? सब बहुत इश्यू हो जाएगा, लेकिन हम लोग की कोई अस्तित्व, हिंदुत्व का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा फिर उस टाइम पे, हम पाकिस्तान की ये जो तरीके से हमें माइनॉरिटी छोड़ के है। भागना पड़ेगा, हमें छोड़ के भागना सॉरी पड़ेगा भारत। जी बिल्कुल, लेकिन हमें वही दिन लेके नहीं आना है, हमें अभी से जागरूक होना पड़ेगा वो जो तो एक्चुअली आपका मेरे को आरोप बहुत हो पहले गई है। होना हाँ था। जी, पहले होना तो ये मोदी सरकार के राज में ऐसा कर रहे हो तो सोचो क्या बिल्कुल ये डर नहीं रहा? बिल्कुल नहीं डर रहे ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कल यहाँ हमने पे कोई देखा लोग पुलिस होंगे तो वालों शायद जी को मार रहे थे, कल हमने देखा पुलिस वालों को मार रहे थे। पुलिस खुद बोल रहे थे कि कैसे लोग हैं, मुझे खुद को मेरे हाथ बात पे निशान कर दिया उन लोगों ने नाखूनों के, पुलिस बताइए आप बोल थोड़ा सा रहे ऐसे थे। करके नहीं दिखाइए हाथ मुझे नहीं, जो पुलिस जो। थे हमारे साथ में हेल्प के लिए हाँ आए थे हाँ वो बोल रहे थे कि जी। कैसे लोग हैं, उन्होंने मेरे हाथ पे मुझे नोचा है, अरे अरे मतलब देखिए, और वो यहाँ पे जितनी भी वो महिलाएं थी वो सब मतलब गंदे गंदे कामों में उतरी हुई थी, ड्रग्स का, अफीम का, वेश्यावृत्ति का, प्रोस्टिट्यूट, इस टाइप से नहीं काम कर। नहीं सर वो वैसी बात नहीं है, सिर्फ वो लेडी है जो जो चरस गांजे का धंधा करती है, बस इतना पता है मुझे, और कुछ गंदी बात नहीं है। अच्छा, तो आप ये देखिए कि चरस गांजे का धंधा करने वाले लोग करिश्मा जी पर चढ़ करके कल आ गए थे, उनको डरा रहे थे, और जबकि चाहते तो ये प्यार से गई थी वहां पर समझाने कि हमको जी मेंटल थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा दिल सर दर्द हो रहा है, आप बंद कर लीजिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं माना। बिल्कुल भी नहीं सर, बोल रही हूँ ना मैं गई तो मुझ पे चिल्लाने लगा वो इंसान, रस्टी बोलता कौन है तू, निकल यहाँ से, एकदम बहुत गंदी, मतलब जो टोन, मतलब कभी मैंने ऐसा वो एक्सपेक्ट पिंक नहीं कलर किया था की इतने शर्ट से वाला, पिंक कलर की जिसने शर्ट पहना था, जी, वो जिसे मास्क और रुमाल बांधा है मास्क चेहरे लगाए। पे, वो हाँ, चेहरा रुमाल बांधा है उसने जो उसी इंसान ने, उस और इन्होंने इंसान बहुत कोरोना में लॉकडाउन में कोई नियम फॉलो नहीं करा वहां पे? कुछ समय तक किए, लेकिन जब ज्यादा होने लगा, ज्यादा सरकार बोलने लगी कि अभी बंद करो, तभी उन लोगों ने बंद किया, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए था लोगों को, मस्जिद के अंदर ही अंदर लोग वहां पे जमा होते थे रमजान के टाइम पे, और मतलब जब उन लोग के कुछ होता है 15 15 दिन, उन लोग बहुत सारे लड़के लोग अंदर रहते थे, तो ये सब उन लोग का हाँ आप अंदर ये ही अंदर बताइए, चालू आपके था। एरिया में बाहर से भी लोग आते हैं? जी बिल्कुल, जब ऐसे कुछ होगा ना तो बाहर के दूर दूर के लोग आते हैं, मुस्लिम लोग हमारे जो जो भी आवाज उठाता है उसके खिलाफ लड़ने के लिए, डराने तलवारें के लिए वगैरह तो लेकर नहीं आते हैं। वो? और ये बाप रे, बिल्कुल करिश्मा जी आपको घबराना नहीं, पूरा हिंदू समाज देखो, इस समय पर हमने कोई बड़ा पहले से तैयारी नहीं किया था, फिर भी आपको लाखों लोग सुन चुके हैं अभी तक, लाखों लोग। इस समय पर आप देश की आवाज बन गई हैं, अब आप पीछे बिल्कुल भी ना हटे, और हटने वाली नहीं है, मुझे तो पता है तुम्हें जी छत्रपति बिल्कुल शिवाजी नहीं राजे से वंशज आए, अनिक तुम्हाला भीति तो वाटते नहीं। नहीं स्वामी जी, खरस मुझे मैं ये मैं शायद से मेरे मम्मी पापा का मेरे पे आशीर्वाद है और भगवान जी का मेरे पे आशीर्वाद है कि मैं उनकी मैं उनमें बहुत विश्वास रखती हूँ, तो शायद जो ये मेरे में बिल्कुल डर नहीं है ना, ये मेरी मम्मी पापा और ये जो भगवान का जो मैं पूजा करती हूँ, मैं आस्था रखती हूँ, इसका इसका ये जो हिम्मत मेरे मुझे उन्हीं से मिल रही है। 2 मिनट आपकी मम्मी को भी बुलाइए, वो भी बोले क्या क्या आपके साथ हो रहा है। 2 मिनट जी बिल्कुल, और सर स्वामी जी मैं और एक बात यहाँ पे, आइला पन सांगा हाँ तोपन दो शब्द बोलू सकते पूरा। जी, मैं इसके पहले मम्मी को बुलाने से पहले, एक हाँ बात कहूँ आपको, सर कही यहाँ पर कही, एक बिल्डिंग आप है, बिल्कुल, आपके पास बहुत वक्त है, पूरा हमारा ही समय है, आप बोलिए जो जो बोलना आपको बोलिए। जी स्वामी जी यहाँ पर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के पीछे गार्डन है जहाँ पर मुस्लिम जी लोग बैठे हुए होते हैं, उनका उन्होंने वो जो बालवाड़ी था पहले, उस बालवाड़ी को अब उन्होंने कहा कि हमारा जगह है, उस जी बालवाड़ी उस जो वो जो गार्डन में जो बालवाड़ी है, उन लोग बोलते हैं कि गार्डन में कोई हिंदू लोगों ने आने का नहीं, और अरे अगर कोई जाता भी है तो उन लोग के वो वहां पे पूरे उन लोग ने हथियारे स्टोर करके रखी हुई है अरे, हथियार जी, हथियारे उन्होंने जमा करके रखी हुई ताकि ऐसा कुछ हो तो सारे लड़कों को तुरंत बुला के हथियारे निकाले। अरे सर बहुत इतना इंटेंस क्रेजी, इन्वायरमेंट बन चुका है। जी सर, जी स्वामी जी बिल्कुल मत घबराइए, और अभी थोड़ी देर के अंदर हमारे सारे हिंदू योद्धा आपके पास पहुंचने वाले हैं, मैं भी आने वाला हूं, मैं आऊंगा, लेकिन पुलिस ने बोला मुझे कि स्वामी जी आज मत जाइए, वहां का माहौल बिगड़ जाएगा। मैंने कहा मेरे जाने से बिगड़ेगा कि सुधरेगा? मैंने पुलिस के अधिकारियों को बोला तो वो बोले कि
मिलिट्री लगानी पड़ेगी स्वामी जी, आप आ जाएंगे तो वहां मान खुर्द पूरा मिलिट्री लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगड़वाना चाहता, लेकिन मैं पुलिस अधिकारियों को कहता हूं कि आपने अगर मेरी करिश्मा का ध्यान नहीं रखा, हमारी झांसी की रानी का ध्यान नहीं रखा, तो मैं कह रहा हूं मान खुर्द नहीं, पूरे देश के अंदर जो होने वाला है फिर वो आप ही संभालना। फिर हमारी ये बिटिया, हमारी ये एकदम झांसी की रानी जी, आई कुटे आई, आई लपन सांगा ने, दोन शब्द तो भी बोल सकते ना, जी, मैं बुलाती हूँ। अब तक बोलिए, और आप बोलिए। स्वामी जी, और यहाँ पर और एक बात है कि यहाँ पे लड़के जो गार्डन है, मतलब यहाँ हाँ पे कोई अथॉरिटीज की चलती नहीं है। मतलब जो भी शिवसेना की यहाँ पे नगर सेविका है, सकरे सरनेम है उनका, तो उनकी भी मतलब वो बोलते तो है, ये वो नहीं, बेचारे अपने बिल्कुल सही कह रही है, ये जिहादी लोग जहाँ रहते हैं ना, ये ना एमएलए की सुनते हैं, ना विधायक की सुनते हैं, ना ये नहीं, किसी की बिल्कुल सुनते नहीं हैं, ना ही पुलिस की सुनते हैं। सर। स्वामी जी, इस एरिया में दो मर्डर हो चुके हैं, दो तीन हाफ मर्डर जी हुए। जिस दिन 24 तारीख को जब मैं पुलिस स्टेशन गई थी, उसी दिन एक हाफ मर्डर का केस पुलिस स्टेशन में आया था, जो मेरी ही अरे बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। जब मैं बोल रही हूँ ना आपको, वहां पे हथियारे रखी हुई होती है, वहीं पे हमला हुआ है, और वो लड़का फरार अरे है, अभी 35 है। तो देखो हिंदू, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, हमारी एक बहन को आगे आना पड़ा, तो अब मैं कहता हूं कि हर हिंदू आवाज उठाएगा, आवाज में आवाज मिलाएगा, तो ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। और हमारे इस हिंदू राष्ट्र अभियान में क्या होगा, करिश्मा जी थोड़ा सा बता देता हूँ कि हिंदू राष्ट्र के अंदर एक तो ये 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, चार चार बीवियां, हिंदू की लड़कियों के साथ लव जिहाद करना, हिंदुओं के घरों पर कब्जा करना, ये सब बंद हो जाएगा। इनका जी पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, आप मानती हैं? जी बिल्कुल, मैं तो कभी से ये चाहती हूँ कि इनका पॉपुलेशन काफी कंट्रोल में आए, क्योंकि ये लोग इनके इनके इतने बच्चे होते हैं, और इन लोग हर एक बच्चों के लिए अधिकार मांगते हैं। बोलते हैं कि हमारे इतने बच्चे हैं, तो जो गवर्नमेंट डिमोलिशन करके घर देती है, तो बोलते हैं हमारे हर एक मतलब बच्चों को घर हमारे मिलना पैसे, चाहिए। हमारा, हम टैक्स पेयर का पैसा, हम हिंदू लोग वहां पर टैक्स भरते हैं, और ये लोग मुफ्त के चावल लेके जाते हैं, शक्कर लेके जाते हैं, और हमारी जी गाय, मैंने जी सुना है मानकुर्द में तो गाय भी काटते थे ये लोग, गोवंडी में, मानकुर्द जी में, गोवंडी बहुत। में जो देवनार करके एरिया है, वहां पे गायों की हत्या होती थी, अब भी बंद है जब से मोदी जी ने निकाले हैं। मैं नहीं चाहती हूँ वो तो मोदी जी को लीगल ही बंद उद्दंड करा, आयुष, इलीगल तो वो लोगों ने चालू ही कर रखा है। हाँ इलीगल चालू है, लेकिन जो खुले में जो था वो अभी बिल्कुल बंद है। मैं चाहती हूँ कि हमारे मोदी जी को बहुत आशीर्वाद भगवान हमेशा उन पर बनाए रखे, और वो जो भी वो कर रहा है इस देश के लिए, हम हमेशा उनके साथ में हैं। हम चाहते हैं ये मैसेज उन तक बिल्कुल, पहुंचे कि सब लोग उनके साथ हैं। अब तो आपको नेतृत्व करना है, इस देश की सारी हिंदू लड़कियों का नेतृत्व तो आपको ही करना है, क्योंकि ऐसी जज्बे वाली, ऐसी एक दबंग अनिस, आप तो शिवाजी महाराज की मावली है एकदम से, जैसे उस समय पर हमारे, हाँ बिल्कुल, बहुत खुश रहिए जी। और बोलिए, आप बोलना है बोलिए। वैसे तो बहुत बातें हैं, शायद से इतनी बातें मैं यहाँ पे ना बता पाऊँ। जी, हाँ, जो कुछ बातें यहाँ ऐसी के हैं जो हिंदुओं, कुछ बातें ऐसी हैं जो करिश्मा जी यहाँ पर बोल नहीं सकती हैं, और नैतिकता के बहुत इतनी गिरी हुई बातें जो हम बता भी नहीं सकते। अगर बच्चियां निकलती हैं तो इतने गंदे कमेंट्स करते हैं जिहादी जी लड़के, बिल्कुल उनको फंसाने का कोशिश करते हैं, उनके एमएमएस बना लेते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, बहुत गंदा माहौल है वहां का, कोई भी हिंदू लड़की वहां पर सुरक्षित नहीं रह सकती। ये तो करिश्मा जी झांसी की रानी का अवतार लेकर के आ गई है कि इन्होंने इन जिहादियों का बैंड बजा दिया, और ऐसा बैंड बजाते रहना, अब तो आपको ढोल जी ताशे बजाते रहना हिंदुत्व के। जी मैंने जी भगवान से प्रार्थना की है कि, और आप सब लोगों का मुझे आशीर्वाद चाहिए कि बहुत मैंने जो आशीर्वाद भी कदम उठाया है उसमें आप लोगों का जी, साथ रहे, ताकि ऐसे ना बिल्कुल हो कि जो भी मैंने कदम उठाया वो बीच में छोड़ के मुझे कुछ हो जाए। मैं वो नहीं चाहती, मुझे कुछ अरे होगा वो आप कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ये जो मैंने शुरू किया मुझे उसको बीच में नहीं रुकाना है। बिल्कुल नहीं रुकेगा, और हम आपके साथ हैं, ये पूरा देश अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, और इस देश के अंदर हर प्रकार का जिहाद खत्म होगा। ये आवाज के नाम पे जो 5-5 टाइम हमारे कानों के अंदर, हम सभी ने सुना, लाइव में सुना, कोई बनाया हुआ वीडियो नहीं था, लाइव चल रहा है, जी हम सब ने सुना कि किस प्रकार से उन्होंने इतना तेज वॉइस, ये तो कम था आज, है ना, जी जी बहुत कम था आज, और इनका चाहते तो वॉइस कम कर बहुत देते हाई लेवल आवाज, पर होता है। जब नहीं, बोलते आप हैं ना बोलते हैं। स्वामी जी ये बोलते हैं ना, संस्कृत में कहावत है, विनाश करे विपरीत बुद्धि। हाँ
तो ऐसे इनका सोच हो गया, जब विनाश नजदीक आता है तो इन्हें इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है अब, क्योंकि इनका इनका बहुत विनाश नजदीक बड़ी, आ रहा है। इतनी इतना बड़ा, और इन्होंने सामाजिक बात कहा है कि जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर उग जाते हैं, तो जब जिहादियों की जी मौत आती है तो वो दंगे करने लगते हैं हर जगह। देखिए जहां जहां भी जिहादियों को मरना होता है वो तुरंत योगी जी के राज में। आप चाहती है कि महाराष्ट्र के अंदर भी कोई योगी आदित्यनाथ आए? स्वामी जी, मैंने आदित्यनाथ जी, योगी जी के ऑफिस में मैंने बात की थी, तब उनके हाँ उनके मतलब उनकी कोई पहचान में फोन उठाया था, तो मैंने कहा कि जी अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद अगर मैं चाहूंगी कि कोई प्रधानमंत्री बने तो वो होंगे योगी जी। जी मैंने उनसे ये बात कही थी, और उनकी और मैंने मैंने उनको ये मैसेज दिया था कि उन्हें कहिए कि महाराष्ट्र के लोग भी आपको बहुत चाहते हैं। महाराष्ट्र में नहीं, मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र में कोई योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री चाहती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम नहीं चाहते कि अभी शिवसेना रहे, क्योंकि जब बाल ठाकरे थे, बाला साहेब ठाकरे थे, तब वो हम किसी पार्टी एक्चुअली का विरोध हिंदू, नहीं कर रहे, किसी नहीं, पार्टी का बिल्कुल विरोध नहीं नहीं कर रहे, बुरा मत मानना, नहीं लेकिन नेतृत्व तो ऐसा चाहिए। भले उद्धव नहीं ठाकरे मैं जी, लेकिन मैं सच आदित्यनाथ बोल रही ठाकरे, हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ, लेकिन कि अब मैं पहले मेरा शिवसेना में विश्वास था, और लेकिन अभी मैं बिल्कुल उन्हें फॉलो नहीं करती हूँ, जब से वो कांग्रेस के साथ गया है। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है ना जिन्होंने पूरा देश को बर्बाद कर रखा है अभी तक। और अभी इसके जी अभी मैं अभी कुछ साल पहले तक, जब जब मोदी जी आए 2014 में, उसके पहले ऐसे लगता था जैसे जैसे भारत देश लावारिस हो चुका है, कोई है नहीं पूछने भाई वाला देश को। ऐसे लगता जब जी, कांग्रेस का राज था तब ये लगता था कि देश को पूछने वाला कोई नहीं है, देश लावारिस हो चुका है। तो अब वो बिल्कुल। फीलिंग आ रही है कि लोग जाग रहे हैं अपने देश के लिए, प्यार बढ़ रहा है उनका। अरे आपने जगा दिया, आपने 24 घंटे के अंदर देश को जगा दिया। आई धन्यवाद अली धन्यवाद, गए। आई ये ना बोला होता है, जय श्री राम, आई ना, जैसा जय श्री राम, थैंक यू सो मच, एक मिनट हम बात आई ये नाते बोला होता है स्वामी जी, हो माली त्याल का नमस्ते, जय श्री राम स्वामी जी, तो ये इतना ही हाँ, बस। थोड़ा 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 इकड़े। हाँ, जय हिंदू राष्ट्र। ठीक है, बोला, हेलो, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। बोला बोला आई बोला। तुम्ही तुमची मुलगी रणरागिणी आहे, हो, तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने ती रणरागिणी आहे, भरपूर मी तिला आशीर्वाद फक्त है, तुमचा जन्म दिलाय। संस्कार है। हाँ आप बताइए, आपके संस्कार है ये कि आपने एक ऐसी झांसी की रानी को जन्म दिया जिसने जिहादियों को सरेआम नंगा करके रख दिया है, बताइए जी आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सर, ये कैसा है ना, ये खाली धर्म के लिए नहीं था, ये था कि तकलीफ कम होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने उसको एक जातीय दंगलवाद का जो रूप दिया है, तो अभी ये जी पूरे भोंगे हमको उतारने ही है, इसकी तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं दुनिया करेंगे से भी आगे से। उतारेंगे, पूरी दुनिया बिल्कुल से बिल्कुल उतारेंगे। सर, और मैं तो कहता हूं, कबीर कबीर कह के गए थे कि दादू दुनिया बावरी, माफ करना, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताऊ पर बैठ के कठमुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या बहरा खुदा हो गया है कि तो उसको आवाज सुनाने के लिए इस प्रकार की हरकतें करी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। जी हाँ जी सर। तो उस दिन हम लोग गए ना, तो एक कॉमन बात करने गए थे कि रिक्वेस्ट करने, थोड़ा कम कीजिए, लेकिन उन्होंने इस तरह जी से करने के बाद, एक्चुअली जब ये गई थी तब उन्होंने पूरी फील्डिंग जी लगाई हुई थी इसको मारने के लिए, थोड़ा सा प्लीज, जी तो पूरे उसके साथ घिर गए और मारने उड़ने ही मारने वाले थे, लेकिन वो पहले मैंने सिक्योरिटी के लिए पुलिस कंप्लेंट की हुई थी, 100 नंबर पे बुलाई हुई थी, इसके लिए वो बची है, नहीं तो मॉब लिंचिंग की तरह जैसे पालघर में हुआ था सेम हादसा हो जी सकता था उस दिन। नहीं बिल्कुल नहीं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। और आप तो देखिए, आपके अब तो सारे हिंदू योद्धा आपके साथ आने लग गए, ठीक है। आप बिल्कुल उनको बिल्कुल, देखिए, लोगों को वो करिए, और करिश्मा जी को दे दीजिए फोन। जी जी बिल्कुल देती हूँ, जी जी स्वामी जी, करिश्मा जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है, और आपके साथ पूरा हिंदू समाज है, पूरे के पूरे। जो वो जुवेटकर काका भी आएगा पीछे देखना।
हाँ क्या जुएट करता था? जी जुएट करता था कौन आया था कौन जयश्री जुएट राम हिंदू राष्ट्र जो हिंदू हो राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र जी। हाँ बोला बोला, तुम्हें पण बोला। जी जय श्री राम जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र, ये हमारी जय हिंदू राष्ट्र। पूरी ये धनंजय देसाई जी के मावले हैं सब, और आपका ना हाँ ये बहुत बड़े योद्धा हैं सब लोग। और देखिए तुरंत हाँ पहुंच चुके हैं वहां पर, और आप बताइए कि आप इन लोगों के साथ कैसे खड़े हैं, बताइए। नहीं, हम लोग इनके साथ जो हिंदू शेरनी है बरोबर है, तो हिंदू युवती के वो प्रेरणा स्थान आज, और जो उन्होंने शौर्य दिखाया वो शौर्य के लिए हम लोग जैसे आए हिंदू राष्ट्र सेना की तरफ से, भाई का जो आदेश था वो आदेश के सम्मान करके हम लोग इधर आए, उनको पहले ही मैं सैल्यूट किए ले। और इनके पीछे पूरी हिंदू राष्ट्र सेना, और मैं ये तो सबको आह्वान करता हूँ, प्रखर हिंदुत्ववादी रहेंगे, पॉलिटिकल लेवल पे जो भी आराम रहेगा से, उन आराम से लोग बैठ सब जाओ, राजकीय आप आराम पक्ष। से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, बैठ जाइए, बताइए। मैं आपके माध्यम से सबको आह्वान करता हूँ कि हटा लो ये राजकीय मास्क, हटा जो, लो मास्क, मास्क हटाइए, हाँ मास्क चेहरे पे से। बस हिंदुओं, मैं पहले तो इनका परिचय करवा देता हूं। हमारे ये मावले हैं, ये हमारी हिंदू राष्ट्र सेना के ऐसे योद्धा हैं ये, और इनके जो नेता हैं, हमारे जो नेता है धनंजय देसाई, हिंदू तेज सूर्य धनंजय देसाई। आपको पता है, एक चैनल वालों ने हिंदुओं का थोड़ा सा गलत बता दिया था, तो ये पूरी सेना ने जाके उस चैनल को खत्म कर दिया था। और धनंजय देसाई का नाम सुनते ही पुणे के अंदर लोगों ने मूछे रखना चालू कर दी, दाढ़ी के साथ सर पे से वो बराबर माथे है। का आतंक का प्रतीक टोपी हटा ली थी। बताइए आप, बताइए बताइए बताइए। हाँ वही भाई का आदेश लेके, भाई का आशीर्वाद लेके आदरणीय हिंदू तेजस्वी श्री धनंजय भाई देसाई जो हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके आदेश का हम जी लोग सम्मान करके आज हम ये हिंदू शेरनी को मिलने आए हैं। और हिंदू राष्ट्र सेना प्रखर हिंदुत्व की संगठना सब इनके पीछे आखिरी सांस तक इनका इनका हम लोग सपोर्ट करेंगे। जुएट कर काका पढ़ा लेगा। ना तेना लेत आमी आलो। ओके ओके, तुम ये ओके हम आप बताइए, जिहादियों को क्या कहना चाहते हैं, आतंकवादियों को क्या कहना चाहते हैं, खुला संदेश दीजिए। जो जियादी लोग हैं उन्होंने जो अभी करिश्मा जैसे हिंदू शेरनी के साथ जो किया, उनको हम लोग हाँ बोल सकते हैं कि इधर का जो एमएलए है, नालायक एमएलए, उसने अब वो ये आदमी आतंकवादी है, वो हाँ एमएलए नहीं है, वो आतंकवादी है, आप आतंकवादी सबका है, लेकिन गिल्ला है वो। स्थानीय स्थानिक वो इधर का विधायक है, उन्होंने उसको सीधा बोल दिया है हमारे बहन को, हमारे दीदी को, कि तुमको आजान नहीं सुनने का है तो तुम इधर से खाली करके निकल जाओ। उनका उनका हिंदू राष्ट्र सेना हाँ जाहिर निषेध कर रही है। अरे आम्ही 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 त्याला सांगतो कुत्र्याला लांड्याला कि तू भडव्या, तू इकडे इकडे राहून तू आमच्या हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारी मुंबई के अंदर तू हमारे लोगों को भगाएगा, तो आप बताइए, हम उसे भगा देंगे जल्दी भारत से। आम्ही त्याला सांगतो कि या आमच्या करिश्मा ताईला घर सोडून जाण्यापेक्षा तू हा देश सोडून चालता हो, कारण तुझी या जय हिंदू हिंदुस्तानला राष्ट्र, गरज नाही। जय हिंदू जय राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। दीजिए जरा जरा करिश्मा जी को जरा दीजिए। बोलतो। हाँ हाँ 1 मिनट। दो, स्वामी जी ऐसा आशीर्वाद देंगे आपका प्रणाम। आशीर्वाद, आशीर्वाद है, खूब आशीर्वाद है, खूब। हाँ बोला सीधा बोला। 1 मिनट। ओ हाँ तो आपने देखा किस प्रकार से हमारे ये आ चुकी है, हमारी झांसी की रानी हमारे बीच, तो आप थोड़ा सा बता करके और फिर आप बताइए। क्या बताओ आप। अब जो आपको 5 मिनट में बोलना बोलिए, फिर लो हमारे जो योद्धा हैं उनके साथ चर्चा करना, बताइए। जी स्वामी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग, मुझे पता है कि लोग डरते हैं ये सोचकर कि हमारे घर वालों को कुछ हो जाएगा, लोग बच्चों को कुछ कर देंगे, हस्बैंड को कुछ कर देंगे। तो मैं चाहती हूँ जो मेरी एज के लोग हैं या फिर मेरे से बड़े हैं, मैं चाहती हूँ ना डरे, क्योंकि जब हम लोग निकलते हैं तो बहुत लोग सपोर्ट के लिए आते हैं।
शुरुआत में जी शायद से ही हम लोग अकेले निकलना पड़े, बट बाद में बहुत लोग हमारे सपोर्ट में आते हैं, तो कोई भी ना डरे। और इस जिहादियों का नाश करना चाहेंगे आप पूरा का पूरा संपूर्ण विश्व जी से? बिल्कुल, बहुत बहुत जी धन्यवाद करिश्मा ओके, जी, अब आप जा सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत समय दिया, इतना समय दिया, इसके लिए आपका आभार। हमेशा हमारा आशीर्वाद आपके सर पर है और आपको डरने की जरूरत नहीं। देखो आ गए कि नहीं, हमारे सारे योद्धा आपके बीच आने लग गए, देखिए, नमस्कार गुरु जी। जी है ना? बहुत खुश रहिए, खूब जी खूब आशीर्वाद, खूब 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 आशीर्वाद जी। तो बिल्कुल मत सही डरना जी। जय सियाराम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। बोलिए एक बार जय हिंद राष्ट्र। जोर से, बोलिए दोनों हाथों पे चले, जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंद राष्ट्र। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खुश रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए। तो हमारे बीच जी, हमारे बीच करिश्मा जी थी। आप सभी ने सुना किस प्रकार से करिश्मा जी ने, आप उसको लाइव का वो ऑप्शन होगा उसको ऑफ कर दीजिए, भले आप ऑफ कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे बीच करिश्मा भोसले जी थी, जिन्होंने पूरा का पूरा इतना इतना शौर्यता का, पराक्रम का परिचय दिया, और हमारे हिंदुओं के अंदर, सोए हुए हिंदुओं के अंदर, सोए हुए सेकुलर हिंदुओं के अंदर प्राण फूंक दिए। और मैं तो कहता हूं कि हम सभी उनके साथ हैं और आपके भी साथ हैं। अगर आप भी खड़े होंगे, आप भी कहीं जिहाद के इस खिलाफ हमारी मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र अभियान में शामिल होना चाहते हैं, तो तुरंत मोबाइल उठाइए और हमारा मोबाइल नंबर 9833631184, और हमारा हमारा व्हाट्सएप नंबर 9930256396, इस पर हमें संपर्क करें और आप सभी लोग हमसे जुड़ करके बस इसी प्रकार से इस कार्य को आप लोग आगे बढ़ाते रहिए। आप इस अभियान में हमारे साथ जुड़े रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। हम मिलकर के इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और भारत माँ को फिर से, भारत माँ को फिर से हम विश्व गुरु बनाएंगे। फिर से यह धरा हिंदू राष्ट्र बनेगी। और अबू आदमी को कहता, अबू और आदमी दोनों अलग अलग हो जाएंगे बेटा, 2 मिनट थोड़ा सा दिमाग ठंडा रख के काम करो, किसी हिंदू को डराने का कोशिश नहीं करने का। और जिहादियों, तुम्हारे सामने मुंबई के अंदर हिंदू आश्रम मुंबई और स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती बैठा है। तुम किसी भी हिंदू बच्ची को इस प्रकार से डरा नहीं सकते, किसी भी हिंदू को, ठीक है? तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। आप सभी इस हिंदू राष्ट्र अभियान में शामिल होना चाहते हैं, सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं कि आइए और इस आंदोलन में हमारे साथ मिलकर के इस देश को जिहाद मुक्त बनाइए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, 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 जय हिंदू राष्ट्र। स्वामी जी, स्वामी जी।